हाय गाइस, मेरा नाम मनन है। दोस्तों, आज का ये वीडियो उनके लिए है जो बिना किसी कंप्यूटर बिना किसी लैपटॉप के अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन को रूट करना चाहते हैं। अगर आपको देखना है सीखना है तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक कर देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मनन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पे नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन को रूट करने से पहले आप उसे चेक कर सकते हैं कि वो फोन जो पहले से रूट है या रूटेड है या नहीं। ठीक है, तो आप उसे कैसे चेक करेंगे? तो उसे चेक करने के लिए आपको अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के प्ले स्टोर में जाना होगा। यहाँ आपको लिखना होगा रूट चेकर। ठीक है, तो जैसे आप रूट चेकर लिखेंगे तो नीचे में ये दिखा देगा, इसे आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। और जब आप इस एप्लीकेशन को जब आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेंगे तो इसे ओपन करके आप देख सकते हैं कि आपका मोबाइल जो है रूटेड है या नहीं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सिर्फ चेक करने के लिए होता है किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन को कि वो फोन जो है रूट है या नहीं, रूटेड है या नहीं। ठीक है, तो सिर्फ चेक करने के लिए होता है। तो इस एप्लीकेशन को आपको पहले इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल पर, उसके बाद इसे ओपन करके आपको चेक करना है अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन को कि आपका फोन जो है रूट है या नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो रूट चेकर मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया है और मैं आपको अब दिखाता हूँ कि ये हमारा मोबाइल जो है पहले से रूटेड है या नहीं, या नहीं है तो हम इसे रूट करेंगे और इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन को रूट किया जाता है। तो जैसे हमने रूट चेकर को इंस्टॉल किया और उसे ओपन किया, अब यहाँ पे एग्री का ऑप्शन है, इसे हमें एग्री करना होगा और एग्री करने के बाद यहाँ पे हमें गेट स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई रूट। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस मोबाइल का जो डिटेल्स आपको दिखाएगा यहाँ पे कि आपका फोन जो है रूटेड है या नहीं। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है कि सॉरी, रूट एक्सेस इज नॉट प्रॉपरली इंस्टॉलेड ऑन दिस डिवाइस, यानी आपका फोन जो है अभी रूट नहीं है। ठीक है, तो ये फोन जो है रूट नहीं है, इस फोन को हमें रूट करना है। तो रूट करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करनी होगी अपने मोबाइल में, और इस एप्लीकेशन की जो लिंक है मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले इस एंड्रॉइड एप्लीकेशन को जो हमें डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल पर। तो दोस्तों, जैसे आप इस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये लिखेगा थैंक्स यू फॉर डाउनलोडिंग किंग रूट एंड्रॉइड, तो ये जो इस तरह से लिखेगा। उसके बाद यहाँ पे दो तरह का ऑप्शन होगा, एक कैंसिल एक ओके का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ओके कर देना। जैसे आप ओके करेंगे तो ओके पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये जो एप्लीकेशन है आपके मोबाइल पर जो है डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे मैंने ओके पर क्लिक किया, ये जो एप्लीकेशन है हमारे मोबाइल पर डाउनलोड हो रही है। ठीक है, और बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन है, ये बहुत तेज़ी में डाउनलोड हो जाती है। और चलिए इस एप्लीकेशन को हम ओपन करके दिखाते हैं आपको, और इसे हमें इंस्टॉल करना होगा इस मोबाइल पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो किंग रूट एप्लीकेशन है ये हमारे मोबाइल में जो डाउनलोड हो चुका है और इसे हमें इंस्टॉल करना है। जैसे हमें इस पर ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉल होने के लिए ये जो कुछ सेटिंग मांग रहा है, और इस सेटिंग को जो हमें यहाँ पे इसका स्विच जो है इनेबल करना है। ठीक है, उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद हमें वापस बैक जाना है। बैक जाने के बाद हमें फिर से दोबारा उस एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल पर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन है थोड़ा कुछ टाइम लेता है इंस्टॉल होने के लिए, और मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से इसे इंस्टॉल किया जाता है। और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन है ये इंस्टॉल हो चुका है, इसे हमें अब ओपन करना है। तो दोस्तों, जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे हम, उसके बाद इस तरह से जो है पेज आपको दिखेगा आपके मोबाइल पर। और उसके बाद इस पेज को जो है आपको थोड़ा सा ऊपर की ओर जो है आपको स्क्रॉल करना है, और जैसे स्क्रॉल करेंगे आप तो उसके बाद यहाँ पे ट्राई पर आपको जो है क्लिक करना है, और जैसे आप ट्राई पर क्लिक करेंगे आपका फोन जो है रूट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे आप ट्राई पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है आपके मोबाइल को रूट करना जो है शुरू कर देगा। ठीक है, और ये 100% होगा, और उसके बाद आपका मोबाइल जो है रूट होगा। उसके बाद आपको जो रूट चेकर की मदद से है आपको आपके मोबाइल को जो है चेक कर लेना है कि आपका जो फोन है रूट हुआ या नहीं।
और मान के चलिए अगर रूट चेक कर आपको बता रहा है कि आपका फोन जो है रूट नहीं हुआ है, तो आप दोबारा फिर से ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, रूट चेकर को ओपन करके हम देख लेते हैं कि हमारा मोबाइल जो है ये सक्सेसफुली जो है रूट हुआ या नहीं। तो हम देख लेते हैं रूट चेकर की मदद से, और हमें इस रूट चेकर को फिर से ओपन करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ में तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये लिखेगा कि हमारा फ़ोन जो है रूटेड है या नहीं। यहाँ आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ये सक्सेसफुली जो हमारा फोन जो है रूट चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।